श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और ये जो कलयुग चल रहा है, ये जब आखिरी आखिरी में जब कलयुग आएगा तो लोग क्या क्या किस तरह की हरकतें करेंगे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये होगा जो शुरुआती दौर होगा एंड का, चोर के घर चोरी होगी, ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव होगा। अधिकतर मनुष्य पराया धन हड़पने वाले पर स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने वाले होंगे। प्रायः सभी लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। हिंसक जीव प्रबल होंगे। गौ वंश का क्षय होगा, मतलब गौ हत्या बहुत होगी। बेधर्मी स्वयं अपना ग्रंथ रचेंगे और वही प्रमाण माना जाएगा। सतपुरुष के सामने मलेच्छ ऊंचे आसन पर बैठेंगे और वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करेंगे, मलेच्छ वाद विवाद करेंगे, रक्षक ही प्रजा की संपत्ति हड़प लेंगे। जो राजा लोग हैं, मतलब जो पैसे वाले लोग होंगे, वो निडर होकर पाप करेंगे। उल्टा नारियों की संख्या बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, राजा चोरों के समान बर्ताव करेंगे, चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होंगे। मनुष्य लोग हैं वो लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलेगा और उनमें अधिकांश नारियों का स्वभाव आ जाएगा। आप देख ही रहे हैं, आज सब होम होते चले जा रहे हैं, तो अधिकतर लोग में नारियों के स्वभाव आते चले जाएंगे। मनुष्य अधार्मिक हो जाएगा, अनाचारी हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, क्रोधी होंगे। सदा अधर्म सेवन के कारण मनुष्य के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं होगा, वेद को मानेंगे ही नहीं लोग। हर जगह उलट फेर हर देश में ही होगा। अनावृष्टि का भय रहेगा, कभी भी तूफान, कभी भी बारिश, कभी भी सुनामी, अनावृष्टि का भय हमेशा बना रहेगा। लोगों को भुखमरी का भय सताएगा कि अगले साल पता नहीं अनाज उपजेगा कि नहीं उपजेगा, तो ये भय हमेशा लोगों के दिल में रहेगा। तमो गुणी वाले मनुष्य जो हैं, तपस्वी महात्माओं की हत्या करेंगे, मतलब जो बुरे लोग हैं वो अच्छे लोगों की हत्या करेंगे, जो भी थोड़े बहुत बचे रहेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कलयुग की शुरुआत कहां से हुई। 3290 वर्ष व्यतीत होने पर शूद्रक नाम वाला राजा हुआ, जिसने मलेच्छों का संहार करके धर्म की स्थापना की। फिर 3310 वर्ष चाणक्य नाम का ब्राह्मण हुआ, जिसने नंद वंश का संहार करके धर्म की स्थापना की। फिर कलयुग के 3320 वर्ष बाद व्यतीत होने पर विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ, जिसने नवदुर्गाओं की कृपा से मलेच्छों का संहार करके धर्म की स्थापना की। फिर कलयुग के 3600 वर्ष व्यतीत होने पर मगध देश में हेमसदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, जिन्होंने धर्म की स्थापना की। फिर 4100 वर्ष व्यतीत होने पर चंद्रवंश में महाराज प्रमिति का प्रभाव हुआ, करोड़ों मलेच्छों का वध करके धर्म की स्थापना की उन्होंने। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।